हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हायर परचेज सिस्टम। करेक्ट, बहुत आसान एंट्रीज हैं, 11th में भी आपने पढ़ी हैं इस टाइप की एंट्रीज। सिर्फ नाम चेंज है, बेचने वाला कोई है, खरीदने वाला कोई और है, सब कुछ वही है, सारा खेला बचपन का है, बस समझना है बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखें, यहां हमारे पास दो लोगों की बुक्स बनेगी। एक बनेगी हायर परचेजर की, जो उस एसेट को हायर परचेज सिस्टम से खरीद रहा है, और एक बनेगी हायर वेंडर की, जो बेच रहा है। तो क्या दिक्कत है, खरीदने वाले की बुक्स में एंट्री भी करनी और बेचने वाले की भी। बहुत ध्यान से, बहुत स्लाइटली चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलें हायर परचेजर की तरफ। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या होगा, एंट्री किस चीज की आएगी कि हमने हायर परचेजर ने एसेट खरीदी। चलिए एंट्री क्या करते हैं। देखिए एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे, व्हेन द एसेट्स परचेज्ड बाय हायर परचेजर। ठीक है, हायर परचेजर ने एसेट को खरीदा, क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात। देखें, इसने एसेट को खरीदा तो एंट्री क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या खरीदी। जस्ट सपोज करिए मशीनरी खरीदी है, क्या खरीदी है, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब बेचने वाला कौन, बहुत आराम आराम से पढ़िए, बहुत तरीके से, और रेड टू तोता बनने की तो जरूरत ही नहीं, बस समझते रहिए, और बड़े आसान है चीजें सारी की सारी। ठीक है, यहां डगर जो है पनगट की बड़ी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस फॉलो करते रहिए। ठीक, व्हेन द एसेट परचेज बाय हायर परचेजर, हायर परचेजर ने क्या खरीदा, एसेट खरीदी। तो सिंपल सी बात यह एंट्री हम बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मीन्स 11th में पढ़ी है हमने एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर ये क्रेडिट पे खरीदते थे तो आपको याद होगा उसका नाम लेते थे मोहन से खरीदी, तो एंट्री करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब करेंगे, पहले क्या कर रहे थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, अब हमने किससे खरीदी है मशीनरी, हायर वेंडर से। तो देखें हम यहां क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं क्या था इसमें, सिंपल सी बात, सेम एंट्री ऐसी 11th में पढ़ के आए हैं, 11th में ध्यान से पढ़ा है तो जरूरत ही नहीं है ज्यादा दिमाग लगाने की, मशीनरी खरीदी आ गई। देखें अब ये ध्यान रखना है कि ये जो मशीनरी है हमने बिगिनिंग में खरीदी है। जस्ट सपोज करिए हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल 2020 है। ठीक, समझ पा रहे बात को। अब एसेट खरीदी, बेची किसने, किसने बेची, साहब ने, किसने, हायर वेंडर ने। तो फिर एंट्री करेंगे इसकी बुक में, क्या एंट्री होगी, व्हेन द गुड्स सोल्ड बाय हायर वेंडर, हायर वेंडर ने बेच दिया। अब हायर वेंडर ने बेची तो देखिए उसके लिए क्या है, गुड्स है, माल है। ठीक है, तो देखें किसको बेचा उसने, हायर परचेजर को, तो क्या आ जाएगा उसका नाम, एचपी अकाउंट डेबिट टू, या हायर सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अरे भाई साहब ये एंट्री तो शायद देखी हुई लग रही है कहीं, 11th में भी पढ़ी थी, राम को बेच दिया तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हायर परचेजर, नाम दे रखा होगा क्वेश्चन में, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। मैंने आपको बताया ये एंट्री कब की है, बिगिनिंग की, यानी मैंने बताया 1 अप्रैल 2000 कब की है, ये 20 की। ठीक, जब इसने बेची कब, 1 अप्रैल 2020 को, तो इसने भी खरीदी कब, 1 अप्रैल 2020 को, क्या दिक्कत है, बहुत आराम से चलते, जल्दी कहीं की नहीं है, आराम से समझिए, एक बार में समझिए चीज को, भले ही टाइम लगाइए, पता लगे लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, यहां कुछ आए ही नहीं रहा,
आना बहुत जरूरी है जी। तो धीरे धीरे चलते रहिए। चले यहां तक कर लिया हमने। अब सिंपल सी बात है कि जब उसने एसेट को खरीदा तो उस समय पर कुछ साइनिंग अमाउंट कुछ होता है, डाउन पेमेंट जिसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्कूटी खरीदी, स्कूटी का कैश प्राइस 85,000, लेकिन वो आपको दे रहा है 95,000 रुपए की, समझ रहे हैं? तो बाकी आपने अभी उसको 35,000 रुपए क्या दे दिया, डाउन पेमेंट दे दी, ठीक है जी, और 20,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट करा ली, ठीक। तो क्या है ये भी, क्या है, हायर परचेस, सिस्टम पे ही तो खरीदिया आपने, समझ पा रहे हैं? यानी 85,000 क्या था उसका, कैश प्राइस था, लेकिन आप अगर उसे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देंगे तो आपको 95,000 देने पड़ेंगे, सिंपल। और आपने 35,000 रुपए अभी दे दिए, तो डाउन पेमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है कि ये जो एंट्री होगी ये किस पे होगी, सीपी पे, सीपी यानी कैश प्राइस, ध्यान रखना किस पे होनी है एंट्री, कैश प्राइस, जो उस एसेट का हायर टोटल अमाउंट नहीं, जितने पे आपको नकद मूल्य पर मिलनी थी वो अमाउंट आप यहां लिखते हैं, भेजी जा, चलते नहीं। चल अब क्या करते हैं, डाउन पेमेंट बनाते हैं, ठीक है। चले जी, व्हेन डाउन पेमेंट मेड, साहब को डाउन पेमेंट दे रहे हैं, किसको देनी है, देनी किसको भाई, आप में है कोई तुर्रम का जो बता दे, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। एंट्री ऐसे 2-3 एंट्रीज के क्वेश्चन कर लो, ऐसे चलते चले जाओ, फुल रिपोजेशन का क्वेश्चन, पार्शियल रिपोजेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पार्शियल वाला मैं आपको बता दूंगा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, हाथी के पांव के नीचे सब कुछ, बस 2-3 क्वेश्चन करिए पार्शियल वाले, एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेगा, क्या दिक्कत है ज्यादा सोचने की, 15 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से करिए, बीबीए बीसीए बीकॉम जहां कहीं भी आए करिए, ठीक है। चले जी, फिर जब डाउन पेमेंट दी किसको दी, देखें जी यहां ये क्या थी, इसकी लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी कम कर रहा है, चलो जी लायबिलिटी कम कर रहे हैं, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बोलिए, टू कौन, कैश और बैंक। भाई साहब इससे आसान तरीका नहीं है जनरल एंट्री सीखने का। अब इंपॉर्टेंट है कि ये एंट्री कब, ये भी 1 अप्रैल 2020 को ही, कब, जब ये एसेट को खरीदा गया हायर परचेज पे, तभी डाउन पेमेंट दी, तो सेम टाइम, करेक्ट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर सेकंड एंट्री इसकी बुक में, भाई साहब ने पेमेंट की, मिली किसे, इन्हें, करेक्ट। तो देखें जी, फिर एंट्री, व्हेन द डाउन पेमेंट, मेरा फेवरेट टॉपिक है जी, व्हेन द डाउन पेमेंट रिसीव्ड, डाउन पेमेंट रिसीव करिए, डाउन पेमेंट रिसीव की, तो देखो उन्होंने दी हमने ली, तो क्या आ गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, हायर परचेजर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, अल्टी पल्टी कर रहे हैं बस ऐसे। कब थी डेट ये, 1 अप्रैल 2020 को, बोलो हाँ, कोई डाउट लग रहा है तो बताइए, एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो मेरे साथ इसको जर्नल एंट्रीज को लिखते रहिए, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना आगे तक के लिए, क्या दिक्कत है, कॉपी पेन लेके बैठिए ना, मजा आएगा बड़ा पढ़ने। चले अब आएंगे हम लोग थर्ड एंट्री की तरफ, और देखिए थर्ड एंट्री क्या, अब क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू बनेगा, क्या इंटरेस्ट ड्यू बनेगा, इंटरेस्ट ड्यू थर्ड एंट्री, when the interest due, अब interest due हो गया यानी किस्त का समय आ गया, और किस्त का just suppose करिए every year दे रहा है, कब दे रहा है, every year, तो मान लीजिए जब 1 अप्रैल को खरीदी है तो 31 मार्च 2021
21 को बुक्स बंद क्लोज होंगी, ऑब्वियस है, तो इंटरेस्ट भी जब ड्यू होगा अपनी बुक्स में, क्योंकि देखें अकाउंट्स का रूल होता है पहले ड्यू बनाते हैं वे पेमेंट करते हैं, करेक्ट। तो पहले अपनी बुक्स में ड्यू बनाते हैं, जैसे आपके घर में बिजली जलती है तो क्या करते हैं बिजली वाले, आपके घर बिल फेंक देते हैं, यानी उन्होंने अपने बुक्स में ड्यू बना लिया और कहें लाओ जी दे दो, बात समझ पा रहे हैं। ऐसे ही हमने किसी के देने, तो हमने अपनी बुक्स में पहले ड्यू बना लिया फिर उसकी पेमेंट करेंगे, करेक्ट। चले जी, व्हेन द इंटरेस्ट ड्यू, तो देखिए इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है बताइए, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है, एक्सपेंस। बच्चा कह रहा है पीछे से आवाज आ रही है कि जी सर एक्सपेंस है जी, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसे देना है, फिर प्रश्न उठता है किसे देना है, हायर वेंडर को। बढ़ते चलिए, ये भी अपनी बुक्स में क्योंकि इसने रिसीव करना है, तो ये भी अपनी बुक्स में क्या बनाएगा, ड्यू बनाएगा, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू बनाएगा। अब इंटरेस्ट ड्यू बनाएगा तो साहब के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, तो लेना किससे है साहब ने, हायर परचेजर से, तो एचपी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, बोलो हाँ, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे तो कहीं दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा सा प्रकाश नजर आ रहा है कि भाई बहुत इजी है, क्या दिक्कत आया, सीधा सीधा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फोर्थ एंट्री की तरफ, पहले यहां एक मैं और चीज लिख दूं कि 31 मार्च 2020, ये क्या आ गया हमारे लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ड्यू बना दिया। अब हमारे पास समय है हायर परचेजर के पास भुगतान करने का, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने का, तो इंस्टॉलमेंट की जब वो पेमेंट करेगा तो कब करेगा, 31 मार्च को, व्हेन द इंस्टॉलमेंट पे, कब पे करेंगे साहब, 31 मार्च को 2021। समझ पा रहे हैं, बहुत आराम से समझिए, दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, दौड़ेंगे बाद में, दौड़ेंगे बाद में, लेकिन अभी धीरे धीरे चलिए भाई, जमीन पक्की करिए ना, ठीक है। तो देखिए इंस्टॉलमेंट की पेमेंट दे रहा है, तो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट दे रहा है तो करिए, क्या एंट्री होगी बताइए जी, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट किसको दे रहा है, हायर वेंडर को, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश बैंक अकाउंट, बात समझ पाते हैं। ये जो एंट्री होगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगी, ध्यान रखना, क्या होगी, इंक्लूडिंग, कुछ बच्चे क्या करते हैं इस एंट्री के अंदर इंटरेस्ट जो ड्यू बनाया ना सारा इंटरेस्ट डाल देते हैं, उस वर्ष का, उस समय का जितना इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है वो अमाउंट लिखना है, ठीक है जी। पहला जो फर्स्ट इंटरेस्ट जो होगा फर्स्ट ईयर का वो आ रहा है, करेक्ट। चल अब उन्होंने इंस्टॉलमेंट दी साहब ने, अब क्या करो, ले लो, व्हेन द इंस्टॉलमेंट रिसीव, ले लीजिए, झोली फैला के ले लो, कोई दे रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू हायर परचेजर अकाउंट, कहां आग लगी है भाई, कुछ नहीं है, बहुत आसान, आराम से पढ़ते रहिए, अपने मन को चलाए मान मत करिए, सारी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, अगर बच्चों ने आपने ध्यान दिया हो 11th में ध्यान से तो बहुत है जी। कुछ बच्चे हैं ऐसे होते जो 11th में जनरल एंट्रीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, तो यहाँ आके थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे तो हैं आपके लिए, जहां भी आए कमेंट बॉक्स में बताइए प्रॉब्लम, उसको सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास एंट्री बची है किसकी,
बुक्स ऑफ हायर परचेजर में भी और बुक्स ऑफ हायर वेंडर में एंट्रीज बची हैं, तो उनको करना है। देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर अब हमारे पास फिफ्थ एंट्री बनेगी। मैं यहां एक लकीर खींच देता हूं सीधी, लक्ष्मण रेखा दीजिए, लक्ष्मण रेखा आ गई यहां पे। ठीक है, ये है हायर परचेजर की बुक में। बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है। अब एसेट किसके पास है किसके पास है? हायर परचेजर के पास, हायर वेंडर के पास, किसके पास है बताइए? हायर परचेजर के पास, ठीक है। खरीदी उसने तो उसी के पास है। जब हायर परचेजर के पास एसेट है तो डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? हायर परचेजर, ठीक है। तो फिर क्या लिखते हैं यहां पर? व्हेन द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन, किस पे बोलिए? व्हेन द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया जो हमने हायर परचेज पे खरीदी, तो डेप्रिसिएशन लगाइए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन बोलिए? टू कौन आ गया यहां पे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जस्ट सपोज मशीनरी खरीदी है हमने ऊपर भी, क्या दिक्कत है? ये एंट्री तो पढ़ते ही आ रही, इससे तो पुराना नाता है अपना जी, क्यों जी? नहीं है, डेप्रिसिएशन लगाया है, कितनी बार लगाया है, ठीक है। चलें जी, फिर क्या करते हैं हम लोग? ये यहां एंट्री नहीं बढ़ गई। अब ये जो होगा, अब जितने भी लॉसेज हुए हैं उसको, किसको? हायर परचेजर को। वो क्या करेगा? एक्सपेंस हुए हैं उनको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। देखें ये भी कब लगाएगा डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2021 को ही लगाएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे लिए क्या है? 31 मार्च को फिर से एंट्री होगी, 31 मार्च 2021, इसे मत बोलना जी। अब ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे? यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट। बोलो हाँ। देखिए जी, जगह थोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, इसको किसका के वहां ले जाओ। सब थोड़ा सा होश पोच हो रहा है, ध्यान से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया? जितनी भी जो भी डेप्रिसिएशन और जो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया था, ड्यू हुआ था हमें, उसको हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये तो हो गई। अब एक एंट्री बुक्स ऑफ हायर वेंडर की बुक में एक एंट्री आ गई, क्या करने की? अब ये एंट्री जो उसने की थी, देखो फोर्थ एंट्री बना दी, फिफ्थ एंट्री यहां पर, ये सिक्स्थ थी और ये फिफ्थ एंट्री थी इसकी। अब यहां पर फिफ्थ एंट्री किसकी बुक्स में बोलिए? बुक्स ऑफ हायर वेंडर की बुक में। तो देखें, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई साहब, जब ये अपने लॉसेस और एक्सपेंसेस सारे चार्ज कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो हम भी तो इनकम चार्ज करेंगे कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो चलिए फिर आगे बढ़िए। तो देखें, इसके लिए यहां प्रॉफिट एंड लॉस कहां आया? डेबिट में। तो अब क्या हो जाएगा? इसके लिए इनकम थी, तो इनकम्स कहां चली जाएंगी बोलिए? इनकम्स कहां आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको याद होगा, आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम्स होती थी, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास कहां जाएगा? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट था, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, उसको कहां ले आएंगे बोलिए? उसको कहां ले आएंगे? डेबिट में, ठीक है। ये एंट्री। चलिए जी, अब हम एक नोट की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, मैं आपको वर्बली समझा देता हूं। ये एंट्री तो दोबारा होनी नहीं,
ये एंट्री दोबारा होनी नहीं, इंटरेस्ट की एंट्री होगी क्या बताइए? हाँ भाई इंटरेस्ट ड्यू बनेगा ना, और वर्षों का रह गया होगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट ईयर फिर इंस्टॉलमेंट अगर दी होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो यही सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन लगाएगा तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा ये एंट्री, यानी चार एंट्री जो आपकी हायर परचेजर की बुक्स में है वो आपको आगे भी करनी पड़ेगी सेम टू सेम, करेक्ट। नेक्स्ट अब हायर वेंडर की तरफ आ जाओ, बेच दी बेच दी, ठीक है नेक्स्ट ईयर आएगी नहीं आएगी, डाउन पेमेंट मिलेगी एक बार मिलती है सर नहीं आएगी, वन द इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट फिर ड्यू बनाएगा नेक्स्ट ईयर बच रहा होगा, ठीक है जी एक इंस्टॉलमेंट तो हुई है, ठीक है ना, जो आगे की फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट्स हैं तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर जो होगा 31 मार्च 2022 को फिर दोबारा से ड्यू बनाएगा, ड्यू बना लेगा फिर पेमेंट रिसीव कर लेगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेगा, क्या दिक्कत है, सब वही है जी, ठीक है जी। बहुत ध्यान से चलिए, मैं भी आपको इसमें क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ध्यान से करेंगे उस क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन को हम प्लॉट कर रहे हैं इसमें, चलें एंट्रीज में, कैश प्राइस उसका 74,500 है, 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट दी है और 20,000 रुपए की तीन इंस्टॉलमेंट, यानी यहां से आप हायर परचेज प्राइस निकाल सकते हैं 20,000 रुपए डाउन पेमेंट और 20,000 की तीन इंस्टॉलमेंट, यानी 80,000 रुपीज की हायर परचेज प्राइस है उसका, करेक्ट। फिर वो कह रहा है जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसमें 2,725 रुपए है जब उसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 1,861 रुपए इंटरेस्ट है और थर्ड में 914 रुपए। सबसे पहले मैंने आपको एंट्री कराई थी कि हायर परचेजर ने मशीनरी को खरीदा और मैंने यहां लिखा था कैश प्राइस, और कैश प्राइस देखें आप रेड लिखा हुआ है रेड पेन से 74,500, बोलिए हाँ 74,500, करेक्ट। चले जी फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसने कितने की बेची होगी 74,500, 74,500 बात समझ आती है। फिर डाउन पेमेंट कितनी थी 20,000 रुपए की, मैंने आपको बताया था ऑन द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट 20,000 रुपए की उसने डाउन पेमेंट दी, और 20,000 की जब डाउन पेमेंट इसने दी है तो साहब ने रिसीव कितने किए हैं 20,000 पूरे, ठीक है। अब इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 2,725 रुपए, 2,725 रुपए, और ये भी आ गया 2,725 रुपए, करेक्ट। अब फिर यहां पर इंटरेस्ट ये ड्यू बनाया होगा उसने 2,725 रुपए इंटरेस्ट, चेक करते रहिएगा, चलेंगे। फिर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट दे दी, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट दीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताई है 20,000 रुपए, मैंने लिखा हुआ है वहां पर 20,000 × 3 यानी 20,000 रुपए के हिसाब से तीन इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी, करेक्ट। तो 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट साहब ने यहां उनको रिसीव हो गई, बोलो हाँ कोई डाउट लग रहा है तो ऐसे एंट्री करते रहिए, उठाइए नोटबुक और करते रहिए। अब डेप्रिसिएशन, ये रहा जी डेप्रिसिएशन, 10% लगा, मान लीजिए कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो 7,450 रुपए डेप्रिसिएशन, 7,450 रुपए डेप्रिसिएशन, 10% अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो देखें डेप्रिसिएशन है 7,450 रुपए और इंटरेस्ट का कितना था 2,725 रुपए, ठीक है, 5 और 7 और 1 और फिर 10। देखिए जी बचपन से मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, घमंड आज तक नहीं किया, बहुत आराम से देखिए टोटल कर लिया, यानी टोटल कहां प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया 10,175 रुपए, ठीक है। अब ये बुक्स ऑफ हायर वेंडर की एक एंट्री हम यहाँ ले आए थे स्पेस की वजह से, उठा के लाएंगे, इंटरेस्ट कितना था 2,725 रुपए, ये अपने पास ट्रांसफर कर, कहां दिक्कत है। अब चले अगले वर्ष की एंट्री करके बताता हूं, नेक्स्ट ईयर एंट्री क्या होगी,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 1861 रुपए, ठीक है। फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 20,000 रुपए, खत्म हो गई बात। फिर यहां पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहे हैं तो सेम लगेगा, डिमिनिशिंग से चल रहे हैं तो फिर माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पे लगेगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर देंगे यहां पर, करेक्ट। जितना मान लीजिए 7,450 रुपए स्ट्रेट लाइन ही मान लीजिए, 7,450 रुपए डेप्रिसिएशन, फिर 1861 रुपए की इंस्टॉलमेंट यहां पर आ गई, करेक्ट। यहां क्या आएगा इसकी बुक्स में, सेल की एंट्री तो आपको पता है होगी नहीं, डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, फिर क्या हो जाएगी इंटरेस्ट ड्यू की, 1861 रुपए यहाँ 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई। फिर नेक्स्ट 1861 रुपए ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देगा बस। फिर नेक्स्ट ईयर फिर वैसे ही, फिर लेजर बनाओ, फिर देखो आगे बढ़ो, तीन चार क्वेश्चन ऐसे करो, फिर बढ़ते चलो, बहुत आसान है, करने वाला चाहिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज के हिसाब से, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, मैं कहूं अपनी भाषा में, कैलकुलेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर बचा क्या है यार, 15 नंबर का क्वेश्चन, तीन चार अकाउंट बनाने उठा के लाए, प्लॉट ही तो करना है, 5-7 क्वेश्चन करिए आराम से, क्वेश्चन वहीं से निकल आएगा, मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम, और वैसा ही फंसेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेटर है, सॉल्यूशन है ना हमारे पास। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।